दोस्तों, क्या रनिंग ही है बेस्ट एक्सरसाइज या बेस्ट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे वेट ट्रेनिंग आपके लिए? अगर चाहते हैं आप फिट रहना या वेट लूज करना, कौन सी एक्सरसाइज है आपके लिए सूटेबल? किसे करना चाहिए रनिंग और किसे जाना चाहिए जिम? उठाने चाहिए वेट्स? क्या है बेस्ट आपके लिए, कैसे डिसाइड करेंगे आप? क्या है एरोबिक एक्सरसाइज, कौन सी होती है एनारोबिक एक्सरसाइज? ये सब जानेंगे आज की वीडियो में, लेकिन उससे पहले दबा दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन। और अगर चाहते हैं आपको आई नोटिफिकेशन मेरी हर वीडियो की, तो बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मेन डिफरेंस जो है एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइज में वो ये है कि एरोबिक एक्सरसाइज आप करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए विद लो हार्ट रेट जैसे मैराथन रनिंग, और एनारोबिक एक्सरसाइज होती है बहुत एलिवेटेड हार्ट रेट्स पे फॉर शॉर्ट ड्यूरेशंस ऑफ टाइम लाइक स्प्रिंटिंग। दोस्तों, एरोबिक और एनारोबिक जोन को समझने के लिए आइए हम एक्सरसाइज इंटेंसिटी जोन को समझते हैं। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं, जैसे जैसे हम अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं हमारी हार्ट बीट भी इंक्रीज होती है। मॉडरेट इंटेंसिटी में ये जहां 50% पे बीट करती है अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी की, वहीं एरोबिक जोन में ये बीट करती है 70 to 80%। वहीं एनारोबिक जोन में हमारी हार्ट बीट होती है 80 to 90% में, और मैक्सिमम इंटेंसिटी में ये जा सकती है 100% बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं हम एक 20 साल के यंग इंसान का, जो अगर एक्सरसाइज करेगा मॉडरेटली, हिज हार्ट विल बीट अप टू 100 बीट्स पर मिनट्स। वहीं एरोबिक जोन में इट कुड गो टू 140 टू 160 बीट्स पर मिनट, और एनारोबिक में 160 टू 180 बीट्स पर मिनट। वहीं अगर एग्जाम्पल लें एक 70 ईयर्स ओल्ड ह्यूमन की, तो ये हार्ट रेट होगी काफ़ी कम कंपैरेटिवली, जो है सिर्फ 75 बीट्स पर मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज जोन में, 105 टू 120 एरोबिक जोन में, और 120 टू 135 एनारोबिक जोन में। तो दोस्तों, हमने देखा कि एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज जोन में हर एज कैटेगरी की हार्ट बीट रेट होती है डिफरेंट। इसको ट्रैक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट फिटनेस गैजेट्स, या आप एक GPS इनेबल्ड फ़ोन को यूज़ करके अपनी रनिंग या साइकिलिंग जैसे कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को कर सकते हैं मॉनिटर। तो दोस्तों, अब समझते हैं क्या अलग होता है आपकी बॉडी में इन दोनों एक्सरसाइजेस में। दोस्तों, एरोबिक एक्सरसाइज में आप बर्न करते हैं बहुत कम एनर्जी पर यूनिट ऑफ टाइम या पर मिनट में, और ये एनर्जी आती है बोथ फैट स्टोरेज और मसल मास से, क्योंकि ये होती है स्टेडी स्टेट में। हम एग्जांपल लेते हैं एक मैराथन की, जिसमें 21 किलोमीटर से 42 किलोमीटर तक भागा जाता है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन होती है और लो पेस भी, तो एनर्जी बर्न रेट धीरे धीरे होता है। इसलिए मैराथन बहुत दूर तक, बहुत देर तक भाग सकते हैं, और क्योंकि वो बर्न करते हैं मसल के साथ साथ फैट भी, इसलिए अगर आप किसी भी मैराथन रनर की फिजिक देखेंगे तो वो होगी ऐसी। वहीं एनारोबिक एक्सरसाइजेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी बर्न होती है पर यूनिट ऑफ टाइम या पर मिनट में, और ये एनर्जी आती है बोथ ग्लाइकोजन रिजर्व और फैट मास से, क्योंकि आपकी बॉडी को चाहिए इंस्टेंट बर्स्ट ऑफ एनर्जी, तो बॉडी ज़्यादा टारगेट करती है ग्लाइकोजन रिजर्व को, और बहुत कम एनर्जी आती है फैट रिजर्व से। अब आप सोचेंगे कि एनारोबिक एक्सरसाइजेस में फैट कम लूज हो रहा है एक्सरसाइजेस के दौरान, फिर तो एनारोबिक एक्सरसाइजेस जैसे रनिंग ही बेटर ऑप्शन है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉडी होती है एनारोबिकली मेटाबोलाइज और गेन करते हैं आप मसल मास, हेल्प करता है मसल मास आपको फैट मास लूज करने में। तो जितना आप गेन करेंगे मसल मास, उतना इनडायरेक्टली आपको मसल मास हेल्प करेगा फैट मास लूज करने में। तो डायरेक्टली नहीं तो कम से कम इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करता है आपको एनारोबिक एक्सरसाइज लूज करने में फैट मास। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट ये है कि एरोबिक एक्सरसाइज या रनिंग वगैरह उनको करनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा ओबीस नहीं है, बिकॉज इफ़ यू आर टू ओबीस देन यू मे एंड अप हर्टिंग योर नीज। वंस यू लूज सम वेट देन यू मे मिक्स अप योर एक्सरसाइज प्लान विद एरोबिक एंड एनारोबिक एक्सरसाइज बोथ टुगेदर, एरोबिक एक्सरसाइजेस वो प्रेफर कर सकते हैं जो जिनको कुछ टाइम कंस्ट्रेंट है, हु डोंट वांट टू स्पेंड आवर्स इनटू ट्रेनिंग एंड जस्ट वांट टू स्पेंड सम 30-45 मिनट्स इनटू एक्सरसाइज लाइक सम वेट ट्रेनिंग एंड दैट्स इट। तो दोस्तों ये था डिफरेंस एरोबिक वर्सेस एनारोबिक या स्टेडी स्टेट वर्सेस हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस का। इन एक्सरसाइजेस के बारे में चाहते हैं अगर आप डिटेल में वीडियो तो कमेंट करके बताइए मेरे को इस वीडियो में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में दबा दीजिए बेल का आइकन अगर चाहते हैं मिले आपको नोटिफिकेशन मेरे अगले वीडियो का।